गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राजेश कुमार केसे। आज हम लोग पढ़ेंगे है ना क्लास फाइव का पार्ट छः पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वचन। आज हम लोग पढ़ेंगे वचन, ठीक है? वचन। अब देखिए वचन, वचन का अर्थ क्या है? वचन, वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या, ठीक है? वचन का अर्थ क्या हो गया? संख्या। वचन का अर्थ हो गया संख्या। अब देखिए वचन का अर्थ संख्या। अब हम लोग पढ़ते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं, है ना? हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? वचन किसे कहते हैं, ठीक है? देखिए इसमें जिसमें क्या पहला वचन है। अब वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, देखिए वचन की जगह संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक, एक या अनेक, है ना? जब वचन की जगह संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक अनेक होने का, अनेक होने का पता चलता है, अनेक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं, ठीक है? अब देखिए वचन किसे कहते हैं? वचन का अर्थ क्या हो गया? संख्या। जैसे हम लोग गिनते हैं ना संख्या, जैसे एक कलम हो गया तो एक का बोध हो गया, और कलम हो गया तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे कलम का बोध हो गया, ठीक है? तितली बोलने से एक तितली का बोध हो गया, और तितलियां बोलने से बहुत सारे तितलियों का बोध हो गया, मतलब एक से अधिक का बोध हो जाता है, ठीक है? तो वचन किसे कहते हैं? देखिए वचन संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है? वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब देखिए जैसे वचन में, जैसे में क्या लिखेंगे? देखिए जैसे हो जाएगा कलम, जैसे कलम का क्या हो जाएगा? कलमे, कलम का कलमे, ये कलमे, ठीक है? ये वचन हो जाता है, ठीक है? वचन का, समझिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए इसमें वचन का हो गया, इसमें अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? देखिए अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। देखिए वचन का जैसे होगा, जैसे मान लीजिए किताब हो गया, ठीक है? ये किताब बोलने से, किताब बोलने से क्या हो जाएगा? किताब क्या हो जाएगा? किताब, ये एक किताब का बोध होता है, किताब बोलने से एक किताब का बोध हो गया। अगर इसी में हम लिख देंगे किताबें, है ना, इसी में हो जाएगा किताबें, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक से अधिक का बोध हो गया, है ना, किताब का किताबें। जैसे देखिए घोड़ा, घोड़ा बोलने से एक घोड़े का बोध होता है, अब घोड़े लिखने से क्या, घोड़े लिखने से क्या हो जाएगा? घोड़े बोलने से क्या हो जाएगा? एक से अधिक का बोध हो जाता है, ठीक है? अब देखिए तितली, तितली का क्या हो जाएगा? तितली का, तितली बोलने से एक का बोध हो गया, तितलियां, तितलियां, है ना, तितलियां, ठीक है? ये हो जाता है, कोई दिक्कत? अब देखिए ये हो गया वचन। वचन मतलब संख्या, इसमें क्या होता है? एक का, इसमें क्या हो जाएगा? संख्या में क्या एक हो गया, और इसमें क्या हो गया? एक से अधिक का बोध हो गया, किताबें, एक से अधिक किताब का बोध। घोड़ा बोलने से एक घोड़ा का बोध हो गया, और घोड़े बोलने से एक से अधिक हो गया, दो हो गया, तीन, है ना, इस तरह का। तितली बोलने से एक का तितलियों का बोध हो गया, और तितलियां बोलने से अनेक तितलियों का बोध हो जाता है, ठीक है? अच्छा इसीलिए इसका हम लोग परिभाषा में क्या लिखे थे? संज्ञा के जिस रूप से, है ना, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। अब देखिए वचन के कितने भेद होते हैं? देखिए वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। पहला क्या है? पहला है एक वचन, पहला क्या हो जाएगा? एक वचन। और दूसरा क्या है? बहुवचन, दूसरा हो गया बहुवचन, ठीक है? अब देखिए वचन के दो भेद होते हैं, ठीक है? पहला क्या हो गया? एक वचन, और दूसरा क्या हो जाएगा? बहुवचन, ठीक है? दूसरा हो जाएगा बहुवचन। हाँ
देखिए वचन क्या हो जाएगा, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन में जैसे हम बताए थे अभी आपको, जैसे मछली, जैसे क्या हो जाएगा मछली, मछली क्या हो जाएगा, मछली एक का बोध हो गया, एक मछली का बोध हो गया। अब इसी में लिख देंगे हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें हम लोग लिख देंगे मछलियाँ, इसमें लिख देंगे हम लोग मछलियाँ। मछलियाँ लिखने से क्या हो जाएगा, ये एक से अधिक का बोध हो गया, एक से अधिक यानी बहुवचन हो गया। ये क्या हो जाएगा, एक वचन में एक एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, लेकिन बहुवचन में क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, समझे कि नहीं, ये इसीलिए उसको एक वचन और बहुवचन। तो वचन में कितने भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है,